In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum dear students, welcome all of you on computer science online. Umeed karta hoon ki aap sab khairiyat se honge. Dear students, aaj ke is lecture mein hum MS Access में मौजूद different data types को discuss करेंगे कि MS Access में कौन कौन सी data types होती हैं और इन data types को use करने का क्या purpose है. आपके सामने आपको 9 data types नज़र आएंगी जिनको आज के इस lecture में हम discuss करेंगे. इनमें text है, memo है, number है, currency है और उसके बाद date and time, auto number, yes no, OLE object and hyperlink. उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आपको इजीली इन डेटा टाइप्स की समझ आ जाएगी. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि इन डेटा टाइप्स को हम अपने डेटाबेस में यूज़ क्यों करते हैं. देखें, हमने जिस तरह का भी डाटा अपनी डेटाबेस में स्टोर करना होता है उसके लिए वैसी ही हमें डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ती है. तो आइए चलते हैं, हम अब इन डेटाबेस को डिस्कस करते हैं. मैं आपके सामने डेटाबेस ओपन करता हूँ एम एस एक्सेस. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो हमारे पास डेटा टाइप है बाय डिफ़ॉल्ट जो एम एस एक्सेस में शो होती है वो टेक्स्ट डेटा टाइप है. हम सबसे पहले टेक्स्ट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे कि टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर अल्फान्यूमेरिक डेटा सच एज लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर. यानी ये जो डेटा टाइप टेक्स्ट है ये अल्फान्यूमेरिक डाटा लाइक लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं. यानी अगर आपने किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये टेक्स्ट डाटा टाइप जो होती है इस टेक्स्ट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं. तो उसके लिए डियर स्टूडेंट, अगर हमने स्टूडेंट्स का नेम वगैरह को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट डाटा टाइप को स्टोर करेंगे. टेक्स्ट डाटा टाइप की जो लेंथ होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट एम एस एक्सेस असाइन अ डाटा टाइप ऑफ फील्ड एज अ टेक्स्ट. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप इज़ 250 करेक्टर. यानी ये देखें, आपके सामने मैक्सिमम लेंथ शो हो रही है, ये 250 करेक्टर्स को मैक्सिमम स्टोर करवा सकता है. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नेम को, जैसे मैंने इधर फील्ड नेम लिया है, तो ये जो नेम की बाय डिफ़ॉल्ट इसको असाइन होगी वो 50 लेंथ असाइन होगी. क्लियर? तो इसके लिए हमें 50 लेंथ असाइन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एम एस एक्सेल. डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट डाटा टाइप जो है ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं करती. ये जस्ट डाटा के स्टोरेज के लिए यूज़ होती है. इसमें कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकती. इसके अलावा हमारे पास नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं जो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आज का इस लेक्चर में जस्ट हमने इन डाटा टाइप्स को डिस्कस करना है. डियर स्टूडेंट, उसके बाद टेक्स्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है वो मेमो है. मेमो डाटा टाइप इज़ आल्सो अ टेक्स्ट डाटा टाइप बट इट इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इट इज़ नॉर्मली यूज्ड टू स्टोर कमेंट्स वगैरह. इट कैन स्टोर मोर देन 64,000 करेक्टर. यानी मेमो जो डाटा टाइप है ये लार्ज टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करती है, अप्रॉक्सीमेटली 64,000 डाटा को स्टोर करवा सकती है. तो बेसिकली ये जो डाटा टाइप होती है ये कमिट्स को स्टोर करती है, ठीक है. और ये जो डाटा टाइप होती है इस पर हम कभी भी प्राइमरी की नहीं लगा सकते, ठीक है. यानी टेक्स्ट डाटा टाइप, मेमो डाटा टाइप है, इसको देखिए मैं एज ए प्राइमरी की के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता. ये प्राइमरी की को हम एज ए इसमें यूज़ नहीं कर सकते. क्लियर हो गया है. इसके बाद जो मेमो के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है नंबर. नंबर क्या है? नंबर डाटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू सच एज स्टूडेंट मार्क्स. यानी ये जो डाटा टाइप्स है नंबर, ये स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह को इंटर करवाने के लिए यूज़ की जाती है. और इसमें क्या होता है, इसमें आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं. अर्थमेटिक का मतलब ये होता है कि आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कुछ इस तरह के ऑपरेशंस आप इस नंबर डेटा टाइप के साथ परफॉर्म करवा सकते हैं. उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है नंबर के बाद वो है डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम क्या है? डेट एंड टाइम डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, टू स्टोर डेट ऑफ बर्थ दिस टाइप ऑफ डेटा इज स्पेसिफाइड. मतलब अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय का या किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करवाना है अपनी डेटाबेस के अंदर तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? उसके लिए आप डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम की डाटा टाइप को स्टोर करवाएंगे और इसका एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है डेट एंड टाइम के बाद वो है करेंसी.
Currency is a data type that is used to store numeric value. This type is specially used to store currency amounts such as payments. यानी इसमें आप कोई fees वगैरह की information, कोई payments वगैरह इसमें आप store करवाते हो currency में, clear? और इसके अलावा the value in currency field is rounded to two decimal place. यानी इसमें जो values आती है उसमें अशारिया की values हो सकती हैं और negative values भी display की जाती है, लेकिन वो brackets में. इसके अलावा इसमें स्टार्टिंग में जो भी आप करेंसी इंटर कर रहे हो उसमें डॉलर का साइन आता है, यानी ये डॉलर का साइन होता है, तो करेंसी के साथ ये डॉलर का साइन भी इस डेटा टाइप में शो होता है. उसके बाद डियर स्टूडेंट, करेंसी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है ऑटो नंबर. ऑटो नंबर किस लिए यूज़ होती है? सपोज मैं किसी स्टूडेंट की आईडी, यानी सपोज मैं स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, रोल नंबर लेते हैं, रोल नंबर को मैंने स्टोर करवाना, तो उसके लिए मैं ऑटो नंबर ले लूँगा. ऑटो नंबर से क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन होगा. जब भी मैं कोई नया स्टूडेंट ऐड करूँगा तो ऑटो नंबर से क्या होगा, उस स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली रोल नंबर असाइन होगा. मैं उस आप या मैं उसको रोल नंबर नहीं देंगे, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये है कि जो रोल नंबर है या तो उसमें वन बाई वन का, ये देखें ऑप्शन आ रहा है इंक्रीमेंट, ठीक है, तो इसमें या तो वन बाई वन का इजाफा होगा अगर आप इसको रैंडम सेलेक्ट कर लें. अगर रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, मल्टी मतलब डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, एक स्टूडेंट का और नंबर होगा, अगले का और होगा, मतलब इसमें एक सीक्वेंस नहीं है अगर रैंडम से. लेकिन अगर आप इंक्रीमेंट की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा. उसके बाद ऑटो नंबर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है येस नो. येस नो डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर बोलियन वैल्यूज. दिस पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस फील्ड आर ट्रू फॉल्स और येस एंड नो. यानी येस नो जो डाटा टाइप है ये जस्ट ऐसे रिजल्ट को स्टोर करवाती है जहाँ पे आपने किसी चीज़ का आंसर येस और नो में देना या ट्रू एंड फॉल्स में. फॉर एग्जांपल इसमें आप सिंगल मैरिड का बता सकते हो कि कोई पर्सन सिंगल है या मैरिड है, इसमें आप मेल फीमेल का, यानी इस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए क्या डाटा टाइप यूज़ होती है, येस एंड नो डाटा टाइप यूज़ होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है वो है OLE ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट, OLE ऑब्जेक्ट जो डाटा टाइप है ये यूज़ होती है टू होल्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन सच एज वर्ड डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और पिक्चर. मतलब कोई और एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर स्टोर करवाने के लिए ये डाटा टाइप यूज़ होती है. OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड अमेंडिंग. ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड अमेंडिंग. यूजली दिस डाटा टाइप इज सेलेक्टेड टू स्टोर पिक्चर और अदर इमेज एज ए ऑब्जेक्ट इन अ फील्ड. यानी पिक्चर या इमेज वगैरह को ये एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करती है ये डाटा टाइप. और उसके बाद यानी इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो है हाइपरलिंक. ये लास्ट डाटा टाइप है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट, जो हाइपरलिंक डाटा टाइप है ये यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट का या किसी लिंक का यूआरएल एड्रेस. यानी यूआरएल अगर आपने किसी को लिंक यानी यूआरएल वगैरह स्टोर करवाना. यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है. यानी किसी का लिंक, कोई वेबसाइट, किसी वेब पेज का लिंक, सपोज अगर मैं अपने चैनल का लिंक देना चाहूँ तो मैं इस डाटा टाइप को यूज़ करूँगा. यानी उसमें यूट्यूब का अपने चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा. तो यानी उस लिंक के ऐड करने के लिए कौन सी डाटा यूज़ होती है, उसके लिए आप ये हाइपरलिंक की डाटा टाइप को यूज़ करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टडी किया. ये आपके सामने डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और इनके पर्पस को देखा कि ये जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं किस लिए हम यूज़ करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी. अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रोफेसर फास सरूर को अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.